हेलो एवरीवन, काव्य एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय माता दी। तो देखिए, शिवाय का यहाँ पर चल रहा है स्कूटर, तो ये कुछ तो संदेश दे रहे हैं कि हमें जब भी कोई गाड़ी चलानी चाहिए तो हेलमेट लगा करके ही चलानी चाहिए, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस शिवाय ऐसे ही ना कभी कभी मस्ती में होता है तो लगाने के अपना चलाने लग जाता है। तो वही अभी बज रहे हैं लगभग डेढ़, तो खाना पीना से आज मैं जल्दी छुट्टी पा गई हूँ। पा क्या गई हूँ, मैंने जानबूझ के सब कुछ जल्दी जल्दी किया है क्योंकि मेरे को ना आज अपनी अलमीरा पूरी सेट करनी थी और घर से लौटी हूँ तो जो भी कपड़े थे, साड़ियाँ वगैरह धुल धुल के सब रखती गई थी एक जगह, लेकिन हाँ उनको सब अच्छे से पूरा सेट करना क्योंकि इतने 5 लोगों के बीच में ना सिर्फ एक ही यही अलमीरा है जिसमें हम सब के कपड़े होते हैं नए वाले। तो बस यही कारण है कि कपड़े होते हैं ज़्यादा और स्पेस कम है, तो बस इस वजह से क्या होता है कि ना जो भी कपड़े हैं उनको खूब अच्छे से हमें घड़ी करके पूरा एक के अंदर एक सेट करके रखने पड़ते हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाती है, कपड़े आते नहीं हैं अलमारी में। लेकिन हाँ, बहुत जल्द आगे कुछ इंतज़ाम करूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो जो भी है ना उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर सारी साड़ियों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियों को ना जो जैसे डेली की हुई ब्लॉग बनाने में मैं पहनती हूँ या फिर मार्केट गई वो, तो भारी साड़ियों को तो मैं पैक करके अच्छे से रख देती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी उनको पहनना नहीं होता है, तो उस हिसाब से उनको अरेंज करूँगी। और जो लाइट वेट साड़ियाँ हैं उनको ऊपर मैं हैंगर में टांग लूँगी। तो काफ़ी सारी साड़ियाँ ऐसी हैं जो कि हैंगर में मेरी टंग गई हैं और मान के चलिए इसमें कम से कम 38 के करीब साड़ी थी। मैंने आज अपनी साड़ियाँ पूरी गिन डाली, मैंने कहा देखूँ कितनी है। और थोड़ी साड़ियाँ तो अभी ना घर पर रखी हुई हैं, मतलब आगरा में, तो जिनको मैं अभी लेकर के ही नहीं आई हूँ, या फिर जैसे कभी लेकर के आई तो कुछ को छोड़ा ही तो कुछ को ले आई, ऐसे मैनेज करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए कुछ कपड़े जो है मैंने अच्छी अच्छी जो साड़ियाँ हैं भारी उनको, पार्टी वेयर साड़ियों को मैंने बॉक्सेस में इस तरह से कर रखे हैं। तो आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा ये DIY जो कि मैं कार्टून से बनाई हूँ, जिससे कि जिसमें कि कपड़े रखने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहता है। और इस तरह के ना आपको ऑनलाइन भी खूब मिल जाएंगे कपड़े रखने के लिए, बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र होता है। तो बस ये सारी साड़ियाँ जो धुल चुकी थी इस तरह से सबको मैं कर दूंगी। और ये करते करते मेरे को लगभग 3:30 बज गए थे क्योंकि आज ना मेरे को भजन में भी जाना है। नवरात्रि के पूरे मतलब 9 दिन ऐसे भजन चलता रहता है ना, लगता है कि माता रानी हर गली हर घर में हर मतलब पूरे संसार में ही बस माता रानी का विराज रही हैं। सबके घर घर में बस माता के भजन इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब मन को एक अलग ही शांति मिलती है। तो बस जल्दी जल्दी मैं करने में लगी हुई थी क्योंकि मेरे को तुरंत जाना ही था जल्दी से। तो आज तो ना दोपहर में बिल्कुल भी आराम भी नहीं किया और खाना ना होने के बाद मैं इसमें ही लगी रही। और साथ ही साथ क्या था, कुछ कपड़े थे और तो मैं अपने हस्बैंड जी को भी मैंने प्रेस पे लगा रखा था कि तुम कुछ शर्टें वगैरह प्रेस करते जाओ, तो ये हॉल में प्रेस कर रहे हैं और आप बेड पे देख रहे हैं बेडशीट बिछी हुई है, तो इसके ऊपर मैं प्रेस कर रही थी कि जो जैसे कुर्ते वगैरह जो कपड़े बच्चों के नहीं प्रेस है तो उनको बस प्रेस करती जाऊँगी और सेटिंग करती जाऊँगी। तो ये बोल रहे थे चलो थक गए हम लोग, एनर्जी ले लेते हैं थोड़ी, वही लगभग 3 बज रहे थे। और ये देख रहे हैं बैग में मैंने ना सारे लहंगे पैक कर दिए, काव्या के, मेरे बच्चों के, बेटियों के, सबके। तो क्या इसको बंद करके ऐसे रख दूंगी ऊपर तो अच्छे से रखे रहेंगे क्योंकि लहंगे रोज चाहिए नहीं होते। तो बस देखिए एनर्जी के लिए आजकल ना मेरे डाइट में जो चल रहा है खरबूजा तरबूज, क्योंकि अभी अमरूद वगैरह तो आना बंद हो गया, तो खरबूजा तरबूज खीरा ककड़ी यही चल रहा है। तो आपको मेरा वेट कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है जरूर बताइएगा प्लीज कॉमेंट में। तो देखिए मेरी अलमीरा जो है कितनी सुंदर सी सेट हो गई है, और अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। तो सारे सूट कुर्ती वगैरह सब एक तरफ दिए, पेटीकोट एक तरफ और इनके कपड़े एक तरफ, बच्चों के बॉक्स के अंदर ताकि कम जगह में अच्छे से आ जाएं। तो देख सकते हैं इन दोनों। एवरीवन, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मैं चल रही हूँ भजन में, माता रानी के भजन में, नवरात्रे चालू है तो आप सभी को पता है। तो चलिए चलती हूँ देरी ना करते हुए। और अभी बज रहे हैं वही लगभग 4 बज रहे हैं, 3:30 की टाइमिंग थी लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि बच्चों को ट्यूशन व्यूशन भेजने के बाद ही मैंने कहा निकलूँ तो अच्छा रहेगा। चलिए फटाफट से सारा घर बंद कर दूँ क्योंकि ये छोड़ने गए हैं, आरोही गई है अलग ट्यूशन, काव्या गई है अलग, और ये छोड़ने गए सिवाय नी के साथ गए, तो फिर अब ये आके अपना घर पे रहेंगे। तो मैं चलती हूँ भजन में और आप लोग कैसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय माता दी।
तो बस भजन खत्म होते होते लगभग 4:30 साढ़े छः डेली हो जा रहे हैं। तो देखिए मिलिए मेरी सारी सखियों से, आपको बहुत प्यारी लग रही होंगी। उसके बाद आई घर, और घर पर आते ही बस मतलब थोड़ा चेंज किया, और चाय मैं तो पी करके आई थी। तो मैं चाय आजकल घर पर अपनी खुद की नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर डबल हो जाएगी, इसलिए तो मैंने इनकी चाय बना दी और इनको दे दी। और ये बोल रहे थे आज कुछ थोड़ा सा हल्का बनाओ। ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही करते हैं कि शाम को खिचड़ी कभी कभी खाते हैं खिचड़ी, क्योंकि ना मेरे को पसंद नहीं है इसलिए कमी बनती है। लेकिन हाँ दलिया लगभग बन ही जाता है, हफ्ते में 4 बार तो दलिया मान लीजिए बन ही जाता है शाम के टाइम। और ये वेजिटेबल दलिया जो है ना एकदम बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है, और मैं सिवाय के लिए ज़रूर से ज़रूर बना देती हूँ। इसमें सब सब्जियाँ डाल के जो भी होता है, जिस तरह से तहरी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से इसको बनाइए, और खूब सारा घी डाल के या फिर दही के साथ या फिर अचार के साथ। तो रात थी तो दही तो लेंगे नहीं, साथ में घी डाल के हम लोग इस तरह से खाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, मेरे बेटे को ये दलिया ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम सब इसलिए बना लेते हैं कि उसका पेट कम से कम भर जाए। और वो रोटी वगैरह उसको कुछ खिलाओ ना, जैसे दही रोटी भी आजकल मैं उसको दे रही हूँ जब से गर्मियाँ चालू हुई हैं, तो वो भी हेल्दी रहता है। लेकिन क्या है ना, रोटी उतना ज़्यादा वो चबाता नहीं है, बदतमीजी करता है, तो फिर क्या उससे उतने पोषक तत्व उससे मिलेंगे नहीं। लेकिन इसमें क्या है, आलू मटर सब कुछ है, तो देखिए कितना ज़्यादा हरा भरा दलिया एकदम बन करके तैयार है। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ, रात का खाना खा लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे हम आपसे एक ब्लॉग के साथ में, तो इसी तरह मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग आते रहेंगे, और आप अपना प्यार जो है सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे ब्लॉग देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे सारे ब्लॉग आपके पास आते रहें और आप अपना प्यार बरसाते रहें। तो फिर मिलेंगे आपसे हम, बाय।